चार चीजें अपने जीवन में धारण करिएगा, चार बातों। पहला, शरीर अगर मानव का मिला है तो इस शरीर के माध्यम से परमार्थ का कोई कार्य कर ले, कोई कार्य परमार्थ का, किसी को शिक्षा प्रदान कर देवे, किसी को औषधि प्रदान कर देवे, कोई बच्चा पढ़ने वाला है उसको उच्च शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा दीजिए। कोई बहुत बीमार है और आपके पास में बाबा ने धन दिया है थोड़ा बहुत, तो आप औषधि प्रदान करें। पहला है परमार्थ का कार्य करना, जितना बन सके शरीर के द्वारा किसी का हित करने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पर, पृथ्वी पर अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करो कि इस पृथ्वी पर अपना पूरा कर चुका कर जाओ। पूरा कर कैसे चुकता है? तो कहा, जब मनुष्य मरता है और मरने के बाद जब वो जाता है तो एक कर्जा उसके माथे पर रह जाता है। एक कर उसके माथे पर रह जाता है, वो है प्रकृति ऋण। वो मर गया और अपना प्रकृति ऋण वो चुका कर नहीं गया। प्रकृति ऋण किसको कहते हैं? कि मरा, मरने के बाद उसको लकड़ी में जलाया गया, जो लकड़ी में वो जला वो लकड़ी उसकी खुद के घर की नहीं थी। जिस लकड़ी में वो जला, जिस लकड़ी में उसके अग्नि दी गई, जिस लकड़ी से उसका अंतिम संस्कार किया गया, वो लकड़ी उसके घर की नहीं थी। मरने से पहले एक प्रकृति का ऋण भी चुका कर जाओ कि पृथ्वी पर आए हो तो एक वृक्ष जरूर लगा कर जाओ, ये हमारे प्रकृति का ऋण चुकाने के बराबर, प्रकृति का ऋण चुकाने के बराबर। आज हरियाली अमावस्या है और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में बैठे हुए, संपूर्ण देश विदेश सब में बैठे हुए सनातनियों को आज हरियाली अमावस्या की गड़गड़ बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब। चार बातें हमारे जीवन की हैं, चार बातें। प्रथम, परमार्थ का कार्य कर लें। दूसरा, प्रकृति का ऋण चुका कर जाए। तीसरे नंबर पर है, बन सके, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करो। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो, और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, एक मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करो। ज्यादा सेवा से मतलब यह नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें और उसकी सेवा करते रहें, यह नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, आपको उसका फल मिल जाएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा बाबा, डोर हटो छड़ीना में कटी जावा। भोले
मैं तेरे पथ शंभो, मैं तेरे पथ। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद चार कार्य जरूर करो, जरूर करिए। परमार्थ करिए, प्रकृति का ऋण चुकाइए, एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करिए, भले अपने घर की हो चाहे पराए के घर की, जरूर करो। और किसी देवालय शिवालय में अगर गए हो तो सेवा करो। दुनिया में सेवा का सबसे बड़ा क्रम है, सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। अभी भिलाई की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। सुना था कथा? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है, भिलाई की कथा में कहा था, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सेवा करी है और सेवा के क्रम को उन्होंने बढ़ाया। जब सेवा के क्रम को बढ़ाया तो वो सेवा जिसने करी है वो जगत में पूजाना भी तो चाहिए। जिसने सेवा करी है वो जगत में पूजाए भी तो, जिसने सेवा करी है वो जगत में श्रेष्ठ कर भी तो। जितने भाव से कर सकते हो, जितने आवाज सेट करिए, पूरी आवाज सेट नहीं हो रही है, जितने भाव से सेवा कर सकते हो, जितने भाव से आप सेवा का क्रम जोड़ सकते हो, उतने प्रेम से आप सेवा करिए, उतने प्रेम। और जितने प्रेम से सेवा के क्रम को आप बढ़ा सकते हो करो। यहां तक शास्त्र कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते ना, आप किसी स्थान पर पहुंचकर सेवा नहीं कर सकते, तो प्रयास करो अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हो, अपने घर में कोई वृद्ध हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपकी बहुत जरूरत